नमस्कार आदाब, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। प्रहार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मुमरा बाईपास रोड पे, जहाँ पे तीन दिन पहले यहाँ पे जो मुमरा बाईपास की जो सड़क है वो धस गई थी। इस धसने की वजह से यहाँ पे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये अगर ये रोड चालू होता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। आप देख सकते हैं कि ये कम से कम 4 से 5 फीट यहाँ पे गहरा धस गया है। इस बाईपास की जो खस्ता हालत को लेकर इसको रिपेयर के लिए दिया गया था, तकरीबन 2 महीने का वक्त हो चुका है। इसका रिपेयर का काम जारी है और यहाँ पे सभी गाड़ियाँ बंद की गई है। इस रास्ते की ख़राब हालत को देखते हुए इसे रिपेयर के लिए दिया गया था। तकरीबन 2 महीने का टाइम होगा, इसका रिपेयर का काम जारी था। मूसलाधार बारिश और तेज़ बारिश के सबब ये जो ज़मीन है वो धस गई है। ये तो अच्छा हुआ कि ये रोड तकरीबन 2 महीने से बंद है। अगर ये रोड चालू होता उसके बाद अगर इस तरीके का कोई हादसा होता तो एक बहुत बड़ा खतरनाक हादसा हो सकता था, इसमें कई जाने भी जा सकती थी। इस बाईपास को लेकर यहाँ के थाने महानगर पालिका के अधिकारी, यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के सभी पार्टी के लोगों ने यहाँ का दौरा किया और उन्होंने सभी लोगों ने ये PWD के जो उन्होंने काम किया है उसके ऊपर जो घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया, जिस तरीके से जो उसकी हालत हो गई है उसका सारा आरोप उन्होंने इस PWD अधिकारी पर लगाया है कि ये अगर ये सही रोड सही तरीके से अगर बनाया जाता तो ये हादसा नहीं हो सकता था। इससे पहले भी ये खूनी बाईपास में कई हादसे हो चुके, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग यहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं और हर बार यहाँ पर बारिश में चट्टान खिसकने के और ज़मीन धंसने की घटनाएँ भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। हाल ही में बारिश के मौके पर यहाँ पे ये ज़मीन धस गई है। आप देख सकते हैं कि पूरी ज़मीन का क्या हाल है, किस भयानक तरीके से ये ज़मीन धसी है। जिस तरीके से यहाँ पे जो घटना हुई है मुमरा बाईपास पे, इस बारे में हम यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस घटना के बारे में, जिस मुमरा बाईपास को लेकर जो समस्या चल रही है, अब ज़मीन धस गई, उस बारे में उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। बाईपास का ये हुआ है कि पानी के वजह से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, इसलिए नीचे का हिस्सा जो है मिट्टी का वो खिसक गया है। लेकिन उनका बोलना यह है कि 1 महीने के अंदर हम तुरंत ये पूरा काम करके 1 महीने के अंदर ये रास्ता पूरा कम्प्लीट करें। मेरे ख्याल से उनका बोलना ये है कि वहाँ का जो काम है, जो रेलवे ब्रिज का हम लगातार जिसके पीछे लगे थे, वो काम होने को आया है। इसमें भी मैं एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट के पीछे मैं 2 साल से लगा था कि अब हालात अच्छे नहीं है, बाईपास के काम करो काम करो काम करो। ये गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा क्या हुआ तो ये सब तकलीफें सामने आई। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बड़ा हादसा होने से मैंने अल्लाह की मर्ज़ी थी इसलिए अल्लाह ने रोक दिया है और मुझे लगता है कि अब अच्छा बाईपास हो जाएगा। पर मैंने मांग रखी है कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकती है, ये बड़े जो यहाँ से ट्रक जाते हैं उनसे टोल वसूला जाए और टोल के माध्यम से हर महीने टू महीने इस बाईपास का मेंटेनेंस किया जाए। अब PWD के अधिकारी को और उनके विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए और उसको अच्छी तरीके से इस बाईपास को बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई भी बड़ा हादसा पेश न आए। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।